सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप 10 ट्रिक्स जो है वेरेंगा मैप की, जिन्हें अगर आप अपने गेम प्ले में इन्वॉल्व करोगे तो आपका गेम प्ले बहुत सही हो जाएगा और आपको अपने एनिमीज को मारने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप उसी सिचुएशन पे हैं और मेरी ट्रिक वहाँ पर काम करती हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आप कहीं उतरना होता है तो फास्ट कैसे उतरना है, क्विक टू बैक। और उतरने के लिए फास्ट आपको क्या करना है, आपका जो करेक्टर है उसे बिल्कुल नीचे की ओर मूव करना है एंड अपना जो है वो मूव पैड वो जैसे मैंने रखा था वैसे आपको रखना है 45 डिग्री पे। आप ऐसे बहुत तेज आ जाओगे नीचे एंड 70 पे। यहाँ पे अगर आपके नीचे वाले फ्लोर पे कोई बंदा है तो आपको उसे कैसे मारना है, यहाँ बहुत सही ट्रिक है। सो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है, जंप करके आप इस बॉर्डर पे आ जाओगे। ये मैं एक बोट आ गया था, बोट को मारता हूँ। सो डैमेज बहुत कम है, एक हेडशॉट लगा, एक बोट शॉट लगाया फिर भी नहीं मरा और तीसरे शॉट में मरा। सो यहाँ पर असली ट्रिक की यहाँ पर ज़रा सी जगह बची है और उस जगह से आप एनिमी को बहुत आसानी से मार सकते हो। अभी मैं इसी तरह देखो, मैंने आपको दरवाज़ा तोड़ के दिखाया ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ से गोलियाँ जा नीचे जाती हैं। सो नेक्स्ट ट्रिक क्या गाइस कि आपको लगता है कहीं भी बंदे हैं तो आप अपने करेक्टर को बस एक सेफ जगह पर खड़ा कीजिए और आपको उनकी पोजीशन पता करनी है तो अपना डाटा ऑफ कीजिए और भाग जाइए उनकी तरफ। और अभी सोचो कि ऊपर है बंदा तो मैं ऊपर आया, अभी मेरा रिकनेक्ट वाला आ गया। अगर बंदे होते तो मुझे लोकेशन पता चल जाती। अभी जैसे मैंने अपना डाटा ऑन किया तो मैं जैसे मेरी गेम फिर से लोड हुई मैं वहीं पर आ गया जहाँ पर मैं छुपा हुआ था। अभी बिना रिस्क उठाए मुझे उनकी लोकेशन भी पता लग गई, तो ये बहुत सही ट्रिक थी। सो गाइस, नेक्स्ट ट्रिक वर्क करती है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास वाले वेयर हाउस में। अगर आप पर यहाँ पे एक पुश आए तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे विंडो पे आना है और ऐसे इसके बॉर्डर्स पे चलना है एंड यहाँ पर घूमते घूमते ध्यान से कोने में से, क्योंकि यहाँ पर बंदे गिर जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे जब आप, तो उसके ऊपर चढ़ जाना है। तो यहाँ पर आपको फुट स्टेप नहीं देने हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हो। और अगर बंदे जा रहे हैं तो आप उन्हें मार भी सकते हो, जैसे मैंने इस बोट को मारा। It was at this moment that Nathan knew he fucked up. So guys, next trick work करती है ये military base की तरफ जो वेयर हाउस है उसपे। उसपे कई बार ड्रॉप अटक जाता है, कुछ लोग पास में ही प्लेयर गन चला देते हैं और ड्रॉप अटक जाता है। या फिर आपको अगर फाइट लेनी है वो दो जो है सामने की तरफ जो है बड़े से घर जिन्हें पता नहीं क्या कहते हैं उन पर बंदे हैं तो उनसे फाइट लेनी है तो आप इसके ऊपर आ सकते हो, बहुत अच्छा कवर मिलेगा। सो इसके ऊपर आने की ट्रिक भी बहुत ज़बरदस्त है। Oh fuck, I can't believe you've done this. So यहाँ से आप सामने वाले बंदों को भी टैग कर सकते हो। Let's do this. तो ये वाली ट्रिक है, अगर आपके पास गन ना हो या फिर आप फाइट नहीं लेना चाहते तो आप गाड़ी को ऐसे खड़ी कीजिए, उसके बाद दरवाजे को खोलिए, उसके बाद खिड़की से जंप करके गाड़ी पे आ जाइए और दरवाजे में जाके यहाँ पे आ जाइए। सो ये बहुत काम की है, छुपने के लिए अच्छी जगह है। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो कि है कि ये जो मिलिट्री बेस के सामने ये घर है इस पर कैसे चढ़ना है। तो बगी लानी है, उसे फिर बूस्ट में लाकर यहाँ पर आ जाना है आपको और एग्जिट कर देना जल्दी। देखो मैं बॉर्डर्स पे उतरा हूँ और अगर आप जल्दी एग्जिट नहीं करोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। सो यार, ये ट्रिक को करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, मैं एक घंटा लगा दिया, मुझसे हो ही नहीं रहा था, तभी मैं पूरा परफेक्ट ट्रैक ढूंढा था। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, सो यार लाइक कर दो ना प्लीज। और नेक्स्ट ट्रिक भी मिलिट्री बेस पे ही है। अगर सामने आपके बंदा हो, वैसे तो ये बहुत कम होता है लेकिन कभी हो, तो आपको क्या करना है, भाग के आना है, ये जो ड्रम्स रखे हैं इनके ऊपर जंप करना है और उसके बाद दूसरे के ऊपर जंप करना है। मेरे से पहली बार मैंने हुआ लेकिन सेकंड बार में हो गया। फिर से आना है यहाँ पे और ड्रम्स पे जंप करके, यहाँ पे जंप करके इसके जो इंजन है ये पता नहीं क्या है इस पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको क्राउच करना है और पीक करके आप एनिमी को मार सकते हो। मैं ज़्यादा पीक हो जाता है यहाँ पे, बहुत पीक हो जाता है लेकिन मुझसे हुआ नहीं, मैं ज़रा सा पीछे चला गया तो मैं गिर गया। सो बहुत सही ट्रिक है, इसे भी ज़रूर यूज़ करना। सो नेक्स्ट ट्रिक है वेयर हाउस की साइड। सो वेयर हाउस के जो है वेयर हाउस उस पर कैसे चलना है, आपको एक कार यहाँ पर खड़ी कर देनी है, डॉसी ही होनी चाहिए। सो यहाँ से ऐसे जंप कर देना तो आप ऊपर आ जाओगे। ये बहुत ही कूल ट्रिक है, ये बहुत काम भी आती है, इसे सामने वाले बंदों को आप मार सकते हो आराम से।
और अगर नीचे बंदा है तो उसे भी आप मार सकते हो। ये बहुत काम की ट्रिक है, इसे जरूर ट्राई करना। इसे अभी दूसरी साइड तो जा नहीं सकते। सो नेक्स्ट ट्रिक है कि आप जो सेंट्रल रोड के पास वाला जो वेयरहाउस है उस पर कैसे चढ़ना है। आपको एक टैक्सी चलानी है फुल स्पीड में और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर एग्जिट कर दो, यहाँ तो आपकी गाड़ी खुद ही यहाँ पे आ जाएगी। इतनी तो फास्ट गाड़ी नहीं होगी कि ऊपर से चली जाए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो ये भी ठीक है, अगर वेयरहाउस पे आप पे फाइट होती है तो तीन बंदे नीचे लड़ेंगे, एक बंदे ऊपर से लड़ेगा, या फिर दो नीचे और दो ऊपर, तो बहुत आसान रहेगा फाइट से। लेकिन यहाँ पे मैं बॉम्ब से मर गया, सो उसके बाद बोट से मर गया। तो ये तो बात छोड़ो, एंड नेक्स्ट ट्रिक भी यही है। यहाँ पे आपको जंप करना है, खड़ी करके दरवाज़ा खोलना है और दरवाजे पे खड़ा हो जाना है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर भी ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ने के बाद आप यहाँ से कवर कर सकते हो बहुत सारा एरिया। एंड जो दो छोटे छोटे से घर हैं आप उन पर भी चढ़ जाओ, और उसके बाद आप लाल वाले घर पर पुश कर सकते हो आराम से, अगर ऊपर कोई बंदे हैं। लेकिन वैसे भी ये बहुत कम ट्रिक है, अगर आपको वहाँ पे ऊपर जाना है पुश करना है तो ये बहुत काम आएगी। सो नेक्स्ट ट्रिक आती है ये थर्ड हिल पे, जो कि बहुत पॉपुलर जगह है। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक ढूंढी थी, ये बहुत सही ट्रिक है। आपको इस तरह इस घर पे चढ़ना है, नहीं तो आप दूसरे घर से भी छलांगे मार मार चढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ आना है और पेड़ पर जंप कर देना है। अभी ये ट्रिक को देखकर आपको लगता होगा कि ये नहीं होगी, लेकिन यार ये हो जाती है, आराम से हो जाती है। आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा हिलना मत, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। और आप ध्यान से पूरा अंदर चले जाना अगर आपको फाइट लेनी है। अगर यहीं पर जोन रहता है तो आप यहाँ छुप सकते हो, ये बहुत सही जगह है, किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी जगह पे भी बंदा होगा। और कमाल की बात तो ये है कि आप यहाँ से फायर भी कर सकते हो। और अभी मैं ज़रा सा अपना पूरा देखते जाऊँगी कितना कितना अंदर हूँ, तो पूरा अंदर होना चाहिए, और यहाँ से आप फायर भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी यहीं आती है, अगर आप इस वाले घर पे हो और आपको पुश आ रहा है, आपके पास गन नहीं है, आपने सिंपली जंप करना है और यहाँ आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आके ये वाली जगह पे आपको लेट जाना है, इसे आप छुपने की बहुत सही जगह ढूंढ लेंगे। आप यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हो इस खिड़की से कूद के, अगर आपके पास गन है तो आप आने वाले बंदों को मार भी सकते हो, ये बहुत सही ट्रिक है। सो मैंने सोचा कि यार ये बंदे की क्लिप भी दिखा दो, उसके पास एटीएम थी, लेकिन फिर भी मैं इसे मिनी से मार गया। सो यार इतने लूप बंदे भी होते हैं गेम में, ये भी देख लो। अभी ये बंदे की तरह मेरी वीडियो का भी एंड होने वाला है, लेकिन जैसे ये बंदा अगले मैच में भी आ जाएगा वैसे ही मेरी वीडियो एक और आएगी। और अंटिल देन गुड बाय।